मत भूलो क्योंकि आज से 5 साल बाद ये दोस्त ही आपका असली दोस्त रहेगा। दिस इज माई मैसेज यूथ सेकला सिकली। मैं यहां हमेशा देखा हर फ्रेशर्स में अपना बुरी लोग अपना यहां में जो सिकली लोग हैं सब रिग्नाई में ट्रेडिशनल ड्रेस में सब है। हम लोग का सेकला लोग कल्चर आइडेंटिटी ट्रेडिशन बोलते रहता है, एक भी धोती में नहीं है, हम लोग सब जींस पहनते हैं। तो देखो हम लोग कितना हिपोक्रिटिकल है। हम लोग भी दो दो बात करता है, सबसे ज्यादा बात आइडेंटिटी का कल्चर का सेकला करता है, मेल आदमी लोग करता है। हम लोग थोई देगा अंथुई खातु हम बगोई चीनी हाँ चीनी शासन चीनी नाइकॉल फांग सब ये बोलते रहते हैं। लेकिन कल्चर के टाइम बस ये पहन लिया वो बागना भी देखो जीन्स में है, पूर्णो भी यहाँ जीन्स में है, लेकिन हमेशा बुरे को सामने रखता है और कल्चर एंड आइडेंटिटी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग यहाँ में हमसे एग्री करेगा कि नहीं, सिर्फ कल्चर और आइडेंटिटी के लिए बुरे को सामने रखता है, जब रियल पावर आता है
जब रियल अथॉरिटी आता है तो गुरु को बोलता है तुम घर में जाके बैठो, ये हम लोग का काम, हां कि नहीं? ये गलत बात है। कोई भी सोसाइटी आगे नहीं चलेगा। आप लोग हंस रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन ये सच बात है, हां कि नहीं? और कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें आप अपना बुमा बुरुई, अपना बहन, अपना बीवी, अपना गर्लफ्रेंड, अपना दोस्त को पीछे रखेगा और आप आगे बढ़ेगा। ये तालिबान का राज नहीं है, ये तालिबान का राज नहीं। तो आई रिक्वेस्ट द यंगस्टर्स दैट जो गलती आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके अंकल, आपके ग्रैंड अंकल, आपके पूर्वजों ने किया कि औरत को बोला घर के अंदर रहो, हम लोग आगे निकलेगा, नहीं। आज विमेन को इनकरेज करना चाहिए नौकरी लाने, नौकरी करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, काम करने के लिए और आगे अपने कला को दिखाने के लिए। टैलेंट, यू ऑल हैव टैलेंट, टैलेंट को बाहर करो। हम लोग बोलते हैं नहीं, औरत को घर में बैठ के खाना बनाना है। सबसे अच्छा कुक तो होटल में अपना टिपरा साल होगी आदमी लोग है। तो ये कोई चीज नहीं है कि ये औरत का काम है और ये पुरुष का काम है। सबका काम जहां में आप लोग अच्छा है करो, टैलेंट को इंसेंटिवाइज करो। बाहर पढ़ना है बाहर जाओ, गो आउटसाइड। त्रिपुरा के बाहर भी एक दुनिया है, देख के आओ, एक्सपीरियंस इट। एंड मैं आपको टीआईएसएफ को एक बात बोलना चाहता हूं। यहां मैं अपना कहा है मुरा पीछे सौरागर पुनो, नेक्स्ट ईयर, ये साल तो अभी, नेक्स्ट ईयर टीटीएएडीसी से एक फंड होना चाहिए अगले साल कि एटलीस्ट 300 लड़का और लड़की को एटलीस्ट इंडिया का एक दर्शन करा के आए और उसका पेमेंट हम लोग करें। ये लोग पूरा इंडिया देखे, अरे त्रिपुरा में बैठ बैठ कर क्या मिल रहा है? हम बोला थोड़ा इंडिया देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, इंडिया देखो आप भी। अरे जब हम लोग बाहर जाएगा तो हम लोग उनका कल्चर नहीं, वो लोग भी हम लोगों का कल्चर देखेगा। एंड मेरा और एक सजेशन है, YTF एंड TSF और TWF को कंबाइन करके त्रिपुरा में एक इंडिजिनस, ये सर्दी का टाइम आ रहा है, एटलीस्ट यहां में एक तिपरासा फूड फेस्टिवल करना चाहिए क्योंकि सर्दी के टाइम सब लोग बाहर से आता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग का चाकू ही ना, हम लोग का भांगू ही, हम लोग का वाक मोजदेंग, हम लोगों का बर्मा बतोई, ये सब यहाँ में फूड फेस्टिवल करो, कल्चरल इवनिंग करो, यूथ को भी इंजॉय करना चाहिए, हम लोगों को भी अपना कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ये अच्छा आइडिया है कि नहीं? और ये जो इंडिया दर्शन है 50% एडीसी पे करेगा, 50% बुबागरा पे करेगा और बाकी का जो इनका पैसा है वो पॉकेट खर्चा लोग देके आने दो। ये अच्छा आइडिया कि नहीं? आप लोगों को पूरा इंडिया घुमा के लेके आए, एटलीस्ट 5-6 स्टेट 10-15 दिन के लिए आप लोग बाहर जाओ, देख के आओ, एक्सपीरियंस करो। आज तक पिपरासा को बोला गया है कि आपको सिर्फ खुमुलुम तक ही आना है। आज तक पिपरासा को क्या बोला गया? पहाड़ी, मतलब कि आप जंगल में रहो, पहाड़ में रहो। मैं चाहता हूं कि हमारा जो तिपरासा तिपराजा जो स्टूडेंट्स है, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो आउट, आई वॉन्ट यू ऑल टू शो टू द पीपल ऑफ मिजोरम, टू द पीपल ऑफ मेघालय, टू द पीपल व्हाट उसका लास्ट फाइट का मतलब क्या है, लास्ट फाइट का मतलब क्या है। मैं आपको बोलूं लास्ट फाइट का मतलब क्या है, पूरा जिंदगी गुलामी और नौकरी करने से अच्छा है कि जिंदगी में एक बार फाइट करके अपना पोजिशन दिखाओ। पूरा जिंदगी, जिंदगी में सब मरेंगे, एक दिन मैं मरूंगा, आनंद बाबू आप मरेंगे, पूर्णो आप मरेंगे, हम सब मरेंगे, लेकिन मरने से पहले अपना बच्चा को, अपना परिवार को, अपना दोफा को, तो एक बात तो हम लोग बोल सकते हैं, मरने से पहले हमने फाइट किया अपने हक के लिए। तो उनके पास पैसा है, दे हैव मनी, उनके पास पैसा है, रोज ना रोज कुछ फेसबुक में कुछ लिखो, कुछ व्हाट्सएप में कुछ लिखो, उनके पास पैसा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास पूरा सिस्टम है, हमारे पास क्या है? हमारे पास टीआरएसएफ है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास टिप्रासा है।
ये जो मेरे पास है ना वो परमानेंट है, तीप्रासा का प्यार परमानेंट है, उनका पावर 5 साल का है। कौन लॉस करेगा, कौन फाइट कर सकता? मैं जानता हूं कि अगर मैं ऑनेस्ट रहा, अगर मेरा कमिटमेंट रियल रहा तो मेरे पास आपका प्यार भी रियल रहेगा। उनके पास 5 साल है, 5 साल खत्म होने वाला है। ब्रिंग ऑन द चैलेंज, चैलेंज लेके आओ। बुबाकरा जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है, हम लोग फाइट कर सकते हैं। और यहां में आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू ऑल द गर्ल्स द बॉयज, बुरे लोग, आप लोग मां है, आप लोग किसी का बेटी है, किसी का बहन है, किसी का वाइफ है, किसी का आज गर्लफ्रेंड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले आप लोग का खुद का एक आइडेंटिटी है। ये भारत माता का लगा के या दुर्गा मां का लगा के नहीं, आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम, वहां में आप खड़ा हो, बुरे बुरे वो आप राइट है, हाँ निली गुरु तमो माथिया दे बर्मा, हाँ सोनिका रियान एक नाम है, ये किसी का बहन नहीं, किसी का बीवी नहीं, किसी का बेटी नहीं, सोनिका रियान ही एक नाम है। कोई सोनिका रियान का बाप है, कोई सोनिका रियान का भाई है, सोनिका रियान किसी का बीवी, किसी का बेटी, किसी का बहन नहीं, सोनिका रियान का भी एक बाप है, ऐसा भी बोलो। तिप्रासा लेट में स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पहले हम लोग पोजीशन में आएंगे। लेट में स्टार्ट किया नो प्रॉब्लम, लेकिन जीतेंगे तो जीतेंगे। और इसके लिए ऑल ऑफ यू आई रिस्पॉन्सिबल एंड आर गोइंग टू बी अ वेरी बिग हेल्प टू मी। हाँ लास्ट आई थैंक द TISF, ऑल द टाउन कमिटी, ऑल द कॉलेज मेंबर्स, द बॉयज द गर्ल्स, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू ओनली वन थिंग, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, आई लव यू। सिर्फ एक ही प्यार करता मैं, आई जस्ट हैव, हाँ व्हाट्स योर नेम, तेरे जमाती, आई लव यू टू, I love Tumno Chamathi also. And Rulil Deparma also. I have to be balanced it down, no, sir. So, I love all of you. I love you very much. Main dil se aapko pyar karta hun. And main, I'm so happy. Mujhe yahan se Delhi jana hai. Delhi mein kal Tipra Students Forum Delhi ka program hai. Main wahan jaunga. Uske baad parso Supreme Court mein CAA ka case hai. Main wahan rahunga. Uske baad main wapas aa raha hun. But I want to tell you that I really love you so much. And you know, मैं पूरा दिन पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, मैं थक जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, जब आपको देखता हूँ, मुझे एक अलग से एक अंदर से खुशी मिलता है कि एटलीस्ट यहाँ में हम लोग इतनी पैसा लोग हैं जो सिंपल है, ऑनेस्ट है और दिल के सच्चे हैं। नेवर चेंज योर सेल्फ, डोंट चेंज, बी हु यू आर, and don't let anyone tell you that you are second best. आप लोग कभी भी second best नहीं है, आप लोग number one है। आपको अपना अंदर का potential ढूंढना है, और जिस दिन आपने अपना अंदर का potential ढूंढा, आप successful होंगे। और जिंदगी में successful होना इतना important नहीं है जितना दिल से खुशी होना। तो अंदर से खुशी रहिए, हंसते रहिए। हंसने के लिए कोई रुपये का दरकार नहीं होता है, लेकिन हंसने के लिए दोस्त चाहिए। तो कीप ऑन स्माइलिंग एंड एज आई सेड आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप दैट दिस प्रोग्राम इज मोर सक्सेसफुल नेक्स्ट ईयर। पुनो जो मैंने आपको बोला है आप नोट कर लीजिए, इन लोगों को थोड़ा इंडिया घुमाना है और नेहा कक्कर को भी लाना है। या फिर कुमार सानू ना रखो यहां में यूथ। आपका नाम क्या है? इतना डर गया है मुझे। रूपाराम त्रिपुरा निली पारा बोलो। साउथ में कहा?
सबरो रुको राम, इतना डरता क्यों है आप? हमारा क्यों पैसा है? थोड़ा सा टाइगर बन के रहो। रुको राम, आप का एक आइडेंटिटी, लेकिन आज आपको देखने से आपको लग रहा है कि डरा है। मैं चाहता हूं कि यू बिकम कॉन्फिडेंट। एक दिन रूपाराम किसी का नौकरी नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि एक दिन रूपाराम किसी को नौकरी देगा। पीपरा सा आज नौकरी कर रहा है, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि एक दिन पीपरा सा नौकरी किसी को दे। आज पीपरा सा गाड़ी चला रहा है, पीछे मालिक बैठा है। मैं चाहता हूं कि एक दिन ड्राइवर कोई और हो, पीछे पीपरा सा बैठकर मालिक बन के आना। ये मेरा थिंकिंग है और ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन आई लुक एट यू ऑल, यू द यूथ, द यूथ, द यंगस्टर्स, यू आर द होप फॉर टुमारो। अगर आपके अंदर एक ऑनेस्टी है, एक ईमानदारी है, ऑल ऑफ यू हियर, देन आई एम श्योर दैट वी विल सक्सीड। अदरवाइज अकेला पैदा हुआ हूं, अकेला मर जाऊंगा, की प्रार्थना का कुछ नहीं होगा। ये आपके ऊपर है। आई थैंक द TISL, आपने ये प्रोग्राम किया। नेक्स्ट ईयर और भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। यहां मैं शायद एक बाहर से रॉक बैंड को लाओ, कहीं में म्यूजिकल आर्टिस्ट को लाओ, नेहा कक्कर को लाओ। क्यों नहीं, अगर अपना गवर्नमेंट होगा तो क्यों नहीं ला सकते नेहा कक्कर, जुबिन नौटियाल को ला सकते हैं। नहीं नहीं, हम लोग को करना चाहिए। कब तक कुमार सानू का सुनते रहेगा वहां में? टाइम बदल रहा है, हाँ कि नहीं? लेकिन टाइम को बदलने के लिए आपका हेल्प चाहिए, तो ये करेंगे हम लोग। बुकुंबारा पीपल आर एज स्मार्ट, एज मॉडर्न, एज कैपेबल एज एनी अदर स्टूडेंट्स एनीवेयर इन इंडिया। नो कल्चर नो सोसाइटी, कोई कल्चर और कोई सोसाइटी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है। आज हम लोग डरता है, हमको लगता है कि हम लोग शायद इतना अच्छा नहीं है। हाँ इंग्लिश ठीक नहीं है, हाँ बांग्ला भी ठीक से नहीं बोल सकता है, कौन समझेगा, हिंदी ठीक से नहीं बोल सकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यू ऑल आई हैव, मैं तो पूरा देश देख के आया हूँ, विदेश देख के आया हूँ। अगर मैं भी ऐसी सोचता कि मैं तो त्रिपुरा का राजा हूँ, उपाग्रह हूँ, जयपुर का नहीं हूँ, उदयपुर का राजा नहीं हूँ, ग्वालियर का नहीं हूँ, इंग्लैंड का नहीं हूँ, मैं तो छोटा जगह का हूँ, मुझे कौन सुनेगा? अगर मैं भी ऐसा सोचता तो मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचता। बट टुडे द होल ऑफ इंडिया, द इवन इंग्लैंड, दे नो दैट देयर इज अ स्टेट कॉल्ड त्रिपुरा एंड दे हैव अ हिस्ट्री, दे हैव द किंग्स, दे हैड द मानिक्य डायनेस्टी, देयर पीपल आर इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड दे नो अबाउट अस। व्हाई? कॉन्फिडेंस। एंड माय यंग फ्रेंड्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स, आई वांट यू टू फील कॉन्फिडेंट। Have that confidence in you. No politician can, कोई भी नेता ना बुबागरा को कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ ना ऊपर में, आप लोग, जब मैं आपको देखता हूँ ना, एंड आई सी आपके अंदर एक होप, आशा कि कुछ बुबागरा करेगा, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, ना आपका वोट चाहिए मुझे, ना आप बुबागरा आई लथोंग बोलो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और जोश चाहता है, क्योंकि ये बार ना, दिस टाइम बुकुंबारा पीपल विल शो ऑल ऑफ इंडिया दैट वी आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एंड वी विल, गॉड विलिंग, डिलीवर। आर यू विथ मी ऑर नॉट? नो, अंदर से बोलो, दिल से बोलो, आर यू विथ मी ऑर नॉट? आर यू विथ मी ऑर नॉट? If you are with me, I don't need anybody. I don't need any leaders. I don't need any netas. I have my Piprasa people with me.